आज हम द कैप्टन फिलिप्स मूवी की प्लॉट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और वह कहीं निकलने की तैयारी में होते हैं, और कैप्टन फिलिप्स के साथ उनकी पत्नी भी होती है और वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी पत्नी उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस आ जाती है। उसके बाद हमें सोमेलिया के एक कस्बे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ कुछ बंदूकधारी लोग कस्बे के आदमियों को धमकी दे रहे होते हैं कि जाओ जाकर कोई बड़ा सिप पकड़ो वरना बॉस तुम्हें मार देंगे। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स ओमन के पोर्ट ऑफ सोलारा पर पहुंच जाते हैं और कैप्टन शिप के अंदर जाते हैं और कंट्रोल रूम में जाकर शॉन मर्फी से मिलते हैं। शॉन शिप को संभालता था। कैप्टन टॉप से शॉन से शिप का रूट पूछते हैं और वो बताता है कि उन्हें सोमालिया बेसिन से निकलते हुए मुंबासा पहुंचने है। ये सुनने के बाद कैप्टन फिलिप्स उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहते हैं और दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरीके से लॉक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सोमेलिया बेसिन पे लुटेरों का अड्डा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरे शिप को लूटने के लिए निकल चुके थे और वे रेडार पर एक शिप को देखते हैं जो और दूसरी शिपों से अलग थलग था। उसके बाद कैप्टन शॉन को सिक्योरिटी चेक करने के लिए बोलता है। तभी कैप्टन रडार पर देखता है कि दो बोटें उनकी तरफ तेजी से आ रही है। यह देखकर कैप्टन फिलिप्स अपने क्रू मेंबर्स को आदेश देता है कि यह एक इमरजेंसी है, सब तैयार रहें, और उन्हें शिप की स्पीड बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं और शॉन को समुद्री पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है पर कॉल नहीं लगता। तो दोनों बोटें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी तो कैप्टन डराने के लिए खुद ही फ़ोन उठाकर समुद्री पुलिस लाइन पर बात करने का नाटक करने लगता है। वो फ़ोन पर कंप्लेंट करता है कि उनकी शिप के पीछे दो बोट लगी हुई है और उन्हें शक है कि ये लुटेरों की बोट है, और कैप्टन खुद पुलिस की आवाज़ निकाल कर बोलता है कि हमारे हेलीकॉप्टर 5 मिनट में आपके पास पहुँच जाएंगे। समुद्री लुटेरे ये बात वॉकी टॉकी पर सुन रहे थे और उन्हें यह यकीन हो गया था कि पुलिस आने वाली है। उसमें से एक बोट वापस चली जाती है पर एक बोटा बीबी उनका पीछा कर रही थी, तो कैप्टन शिप को धीमा करने को कहता है और उसे 5 डिग्री लेफ्ट करने के लिए बोलता है, जिससे लुटेरों की शिप में तेज धाराओं में फंस जाती है और उनका इंजन खराब हो जाता है। तो अगली सुबह जब कैप्टन उठते हैं और देखते हैं कि वह बोट दोबारा उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, तो कैप्टन शिप को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहते हैं और उन्हें समुद्री पुलिस को फोन मिला देते हैं कि हमें पर समुद्री लुटेरों का हमला हुआ है। लुटेरों की बोट पर 4 आदमी थे और उनका लीडर का नाम अबुदुल मुसे था। वो वॉकी टॉकी पर कैप्टन से शिप को स्लो करने के लिए कहता है पर कैप्टन शिप को स्लो नहीं करता, तो वो कंट्रोल रूम पर गोलियाँ चलाने लगते हैं और कैप्टन शॉन से वाटर पंप चालू करने के लिए बोलता है जिससे लुटेरों शिप पर ना आए, पर लुटेरे जैसे तैसे करके शिप पर चढ़ जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स वॉकी टॉकी पर अपने क्रू मेंबर से बोलता है कि शिप पर लुटेरों का कब्जा हो गया है, सब छुपे रहें और जब तक बाहर ना निकले जब तक मैं ये पासवर्ड ना बोलूँ सुपर टाइम। और फिर सभी क्रू मेंबर्स इंजन रूम में छिप जाते हैं और कंट्रोल रूम में लुटेरे घुस जाते हैं जहाँ कैप्टन और उनके साथ 2 लोग और मौजूद होते हैं। तो मुसाद कैप्टन से कहता है कि शिप में क्या सामान है। कैप्टन कहता है कि इसमें बस खाने का सामान है और लॉकर में $30,000 हैं, अगर तुम्हें $30,000 चाहिए तो रख लो और मेरे शिप से चले जाओ। पर मुझसे उसे मना कर देता, कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ जो $30,000 लेके जाऊँ। उसके शिप के क्रू मेंबर को इंजन को बंद कर देते हैं तो मुसाद कैप्टन पर से पूछता है कि ये क्या हुआ और वो गुस्से में पूछता है। तो कैप्टन कहता है कि शिप को ज़्यादा तेज़ी से चलाने की वजह से इसका इंजन ख़राब हो गया है। तो मुझसे कैप्टन से क्रू मेंबर के बारे में पूछता है
कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पर हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या पता वे कहाँ पर है। तो वे कैप्टन से कहते हैं कि जाओ और अपने क्रू मेंबर्स को ये संदेश दो। तो कैप्टन अपने वॉकी-टॉकी से सबको संदेश देता है कि सब क्रू मेंबर ऊपर आ जाओ, तो वरना ये सबको एक एक करके मार डालेगा। पर ऊपर कोई नहीं आता, क्योंकि कैप्टन ने पासवर्ड तो बोला ही नहीं था, इसलिए कोई ऊपर नहीं आता। तो मुझे कैप्टन से बोलता है कि मुझे इस जहाज की तलाशी लेनी है। नहीं तो कैप्टन कहता है कि हम ऊपर से तलाशी लेते हुए नीचे तक जाएंगे, पर इमरजेंसी पावर कट लग चुका है तो हमें नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। और यह बोलते वक्त कैप्टन ने जो हाथ में वॉकी-टॉकी पकड़ा हुआ था वो चालू था, जिससे क्रू मेंबर समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी पावर कट करना है। लुटेरे तलाशी लेने लग जाते हैं। मुझे कैप्टन के हाथ से वॉकी-टॉकी खोज लेता है। उसके बाद वे कैप्टन के साथ मिलकर शिप की तलाशी लेने लगती हैं और कैप्टन उन्हें इधर उधर घुमाने में व्यस्त हो जाता है और उन्हें उनका समय बर्बाद करता है। मुझे शिप का मैप देखकर इंजन रूम में जाने के लिए कहता है और कैप्टन मान जाता है। पर इंजन रूम के दरवाजे पर क्रू मेंबर ने शीशे के टुकड़े बखेरे हुए थे ताकि कोई अंदर आए तो उसके पैर में शीशे लग जाए और वो जख्मी हो जाए। तो जैसे ही शिप एमरजेंसी रूम का इंजन रूम का कोई दरवाज़ा खोलकर लुटेरा अंदर आता है तो उसके पैर में शीशे टूट जाते हैं और वो जख्मी हो जाता है। यह देखकर मुझे कैप्टन पर चिल्लाने लगता है। तभी सोने एकदम से इंजन रूम की लाइट बंद कर देता है, जिससे मुझसे और गुस्सा हो जाता है और वे जख्मी लुटेरे को अपने साथी को ले जाने के लिए कहता है और वो अकेला वहाँ इंजन रूम में तलाशी लेने लगता है। पर तभी क्रू मेंबर शिप के क्रू मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और वो वॉकी-टॉकी से दूसरे लुटेरों को कहते हैं कि हमने तुम्हारे लीडर को पकड़ लिया, अगर तुम अपने लीडर को बचाना चाहते हो तो हमारे कैप्टन को छोड़ दो और हमारी शिप पे चले जाओ। तो कैप्टन फिलिप्स उन लुटेरों को एक लाइफ बोट देता है और उन्हें उस लाइफ बोट के बारे में बता रहा होता है कि इसे कैसे चलाना है और कैसे ले जाना है। पर तभी लुटेरे उसे लाइफ बोट में धक्का देकर गिरा देते हैं और उसका उसे अपहरण कर ले जाते हैं। यह बात से क्रू मेंबर्स ने भी को बताते हैं कि कैप्टन का अपहरण हो गया है। तो ने वे अपनी शिप और हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और मुझे से कैप्टन को रिहा करने के लिए बोलते हैं और मुझे बदले में $10 मिलियन की डिमांड करता है। और तो नेवी उससे कहती है कि इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा और वे खाना पानी पहुँचाने के लिए मदद करेंगे। और जब वे खाना पहुँचाने के लिए वहाँ नेवी के सिपाहियों को पहुँचते हैं तो वहाँ कैप्टन को देखने की मांग करते हैं तो उन्हें वे कैप्टन को दिखा देते हैं। तो रात को कैप्टन लुटेरों से बात समझाने के लिए इजाज़त मांगता है तो उन्हें वे इजाज़त दे देते हैं। पर कैप्टन समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश करता है पर लुटेरे उसे वापस पकड़ लेते हैं। बाद में नेवी के अफसर मुझसे से कहते हैं कि वह पैसे देने के लिए तैयार है, उनमें से एक हमारे साथ आकर बातचीत करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। तो मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नेवी के सिपाही बोट के चारों तरफ बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे तीनों बचे हुए लुटेरों को एक साथ मारने की कोशिश में थे पर उनमें से दो निशाने पर उनमें से दो ही निशाने पर थे तो इसलिए वे रुके हुए थे। पर कैप्टन अपने घर वालों को खत लिख रहा होता है। तभी उनमें से वो तीसरा लुटेरा उनसे आकर उनका खत छीन लेता है, उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो लुटेरा कैप्टन को पीट कर उनके हाथ बांध कर उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। पर तभी उनके लाइफ बोट पर एक झटका लगता है जिससे वे तीनों निशाने पर आ जाते हैं और तीनों को नेवी के सिपाही गोली से उड़ा देते हैं और मूसे को भी वे पकड़ लेते हैं अपनी जहाज पर और ऐसे वे कैप्टन को भी बता लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।